sagatam puram bhagasya dhimahi. Arre arre, tum kaun ho aur kahan chale ja rahe ho? Mera naam Ashwakra hai, mujhe jaane bandi se milna hai. Dekho, yahan pandit aur guru ka ilaaj nahi hota, tum kahin aur jao. Main yahan apna upchar karane nahi aaya hu. तो क्या हमारा उपचार करने आए हो? मैं यहाँ चारे बंदी को चार रात के लिए चुनौती देने आया हूँ. चुनौती? हम लोग शरीर के साथ साथ मस्तिष्क में भी अपमान करते हो. चले चलो. तो तुम मेरी बाहरी बनावट के आधार पर मेरे ज्ञान का अनुमान लगा रहे हो. चार रात के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है तो मेरे पास है, जाने दो मुझे. और पालो, आने दो मैंने. आप क्या चाहते हैं? मैं यहाँ चारे बंदी को शास्त्रार्थ के लिए चुनौती देने आया हूँ. क्या इस हंसी का कारण जान सकते हो? मैं तो यहाँ यह सोच कर आया था कि यह सभा ज्ञानी पंडितों की होगी, मगर यहाँ तो सभी मूर्ख विराजमान है. मैं तो इन मूर्खों पर हंसा, मगर क्या मैं यह जान सकता हूँ कि ये मूर्ख किस पर हंसे? इस घड़े पर या फिर इस घड़े को बनाने वाले उस कुमार पर? तुम स्त्री हो, पुरुष नहीं. तुम काले हो, गोरे नहीं. तुम अपंग हो, सुअंग नहीं. और जो तुम हो सिर्फ वही हो, कुछ और नहीं. इसी रूढ़िवादी मानसिकता को चुनौती देने आए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज की नाट्य मंडली प्रस्तुत करती है अपना नुक्कड़ नाटक. छम छम बाजे लागे पायलिया. जी हां शिव भैया. छम छम बाजे लागे पायलिया. छम छम बाजे लागे पायलिया. छम छम बाजे लागे पायलिया. माटी की खुशबू, पानी की खुशबू बिखेरे ये छलकत गागरिया. गागा पुकारे कौन गाओ, ऐसा निराला मोरा गाओ, ऐसा निराला मोरा गाओ. माटी का माटी का माटी के हम सारे, माटी से बनाए सबको भगवान हमारे. घूमे है पहिया, घूमे है ये दुनिया, कुमार बनावे, कुमार बनावे, छोड़े न कोई कमियां. प्यारा कोई भेदभाव हो ऐसा हमारा संसार हो, ऐसा हमारा संसार हो. हाँ तेरी की, ये मटका भी टेढ़ा बन गया, अब फिर से बनाना पड़ेगा इसे. बाबा बाबा, ये मटका क्यों तोड़ रहे हो? बेटा ये मटका टेढ़ा बन गया है इसलिए. तो क्या हो गया बाबा? कभी देखा है बाजार में टेढ़ा मटका? अब कोई नहीं खरीदेगा इसे. ऐसा क्यों बाबा? क्या अब ये मटका पानी गंदा नहीं कर सकता क्या? हाँ कर तो सकता है, लेकिन हमारे समाज में चीजों के काम से ज्यादा उसके बाहरी रंग रूप और बनावट को ज्यादा महत्व दिया जाता है. पर बाबा, जब ये मटका भी पानी गंदा कर सकता है तो सिर्फ बाहरी बनावट के आधार पर गलत है ना? हाँ गलत तो है, लेकिन यही हमारे समाज का उसूल है. ये रूढ़िवादी धारणा आज से नहीं, हजारों सालों से हमारे समाज में चलती आ रही है. पर बाबा इसे बदला भी तो जा सकता है, कोशिश तो कर सकते हैं ना? कोशिश? तुम्हें काम करो, तुम ये वाला मटका लो और इसे बाजार में बेच कर आओ, तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल जाएगा. दो टमाटर लाल लाल लागे बाबूजी के लड़ाई वड़ाई बंद करो, ये सब काम गुजर भैया भाई छूट कर. ओए तेरी कैंट का मतलब क्या है? हम गुंडे हैं. हम भाग क्यों रहे भाई? लड़की लड़की खतरे में है. अबे खतरे में तो हम हैं. तो क्यों भाई? लड़की गाड़ी चला रही है. एक्सक्यूज मी, आपको क्या लगता है
लड़कियाँ ड्राइविंग नहीं कर सकती? बिल्कुल नहीं, ये भी कोई पूछने वाली बात है? क्या सबूत है आपके पास? सबूत दे। अरे भाई साहब आप बताओ, क्या लड़कियाँ लड़कों से अच्छी गाड़ी चला सकती है? अरे भाई साहब थोड़े तो नेस्ट बनो। ओ प्लीज डोंट स्टीरियोटाइप। पहली बात तो ये सभी के लिए सच नहीं होता, और दूसरा क्या आप जानते हैं ये स्टीरियोटाइप करने से कितने लोगों का मोरल डाउन हो जाता है, और जो लोग सच में कुछ करना भी चाहते हैं ये स्टीरियोटाइप उन्हें आगे नहीं बढ़ने देते। सो प्लीज डोंट स्टीरियोटाइप। मटका ले लो, मटका मटका ले लो। छोटू ये क्या टेढ़ा मेढ़ा मटका बेच रहा है? मटका तो गोल होता है, ये टेढ़ी मेढ़ी चीज क्या है? मैडम ये मटका ही है। ऐसा टेढ़ा मटका कोई नहीं खरीदेगा छोटू। उससे क्या फर्क पड़ता है मैडम, पानी तो ये भी ठंडा कर सकता है ना। भारी दिखावट कितनी जरूरी होती है इस समाज में रहने के लिए, तुझे नहीं पता? तूने राजा रानी की कहानी नहीं सुनी? चल मैं सुनाती हूँ। बहुत समय पहले की बात है, एक राजा back
क्या तुमने कभी ये किताबों में पढ़ा? नहीं ना, तो जो किताबों में लिखा है उस पर ध्यान दो। वैसे तुम्हारी मम्मी का नाम क्या? चैप्टर 1, एक आदमी था। एक आदमी था। चैप्टर 2, एक आदमी था। एक आदमी था। चैप्टर 3, एक आदमी था। एक आदमी था। चैप्टर 15, एक आदमी था। Oh!
कहते थे। मैं ही गलत था जो ये टेढ़ा मटका मेंटेन कर पड़ा। ये सोचकर कि दुनिया अच्छी होती है, ये सोचकर कि लोग समझदार होते हैं, पर यहाँ तो सभी लोग बाहरी बनावट, दिखावट और समाज के बनाए हुए ढांचों में ऐसे बंधे हुए हैं कि अंदरूनी खूबसूरती देख ही नहीं पाते हैं। बाबा सही कहते थे, मैं ही गलत था। मम्मा देखो ना कितना सुंदर मटका है। बेटा वो सुंदर कहाँ, टेढ़ा है। बहुत टेढ़ा है मम्मा, देखो ना उसमें कुछ खरगोश ऐसे बनाए, दिलाओ ना। चुप। बच्चे भी कितने साफ दिल के होते हैं, काश काश हर कोई इन्हीं की तरह दुनिया देख पाता। तो ये ऊंच नीच सूरत रंगत भेदभाव जो है वो शायद नहीं होता। शायद हमें लोगों की सूरत की बजाय उनके दिल को देखने की जरूरत है। और कालेपन की वजह से इनकी दोनों टांगे ना होने की वजह से इनको डिसेबल कहा जाता है। पर क्या आपको पता है वो एक ओस्कर के लिए नॉमिनेट हो चुकी है। डिसेबल होने के बावजूद इन्होंने ओलंपिक एंड वर्ल्ड चैंपियनशिप जैसे नॉन डिसेबल कॉम्पिटिशन में हिस्सा लिया। तो अगली बार जब आप इनका या किसी का भी उनके रंग या शरीर के आधार पर मजाक उड़ाए तो एक बार उनकी काबिलियत भी देख लीजिएगा।